देश की सबसे बड़ी अदालत में मंगलवार को एक बार फिर बुलडोजर जस्टिस मामलों पर सुनवाई हुई, तो न सिर्फ सरकारों बल्कि आम आदमी के लिए कोर्ट ने कई ऐसे दिशा निर्देश दिए जिसे जानना और समझना सबके लिए जरूरी है। 1 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई शख्स आरोपी है या फिर दोषी, तो भी उसके खिलाफ बदले के तौर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान एक बात और साफ कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति को वापस करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण किया गया है तो सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती, फिर भले ही अवैध निर्माण कोई मंदिर हो या मजार। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में तोड़फोड़ पर गाइडलाइन बनाएंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। इससे पहले 17 सितंबर को बेंच ने पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी इजाजत के कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फैसले के लिए रिजर्व रख लिया है, जबकि 17 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस अंतरिम आदेश के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम अदालत की अवमानना होगा। इस बीच कोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विध्वंस की कुछ कार्रवाइयों के चलते पूरे के पूरे कानून को रद्द नहीं कर सकते। तब जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि पिछले कुछ सालों में करीब 4.45 लाख संरचनाएं गिराई गई हैं। ये सिर्फ कुछ मामले नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि इस तरह के किसी भी एक्शन से पहले निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई के पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील ने बताया कि एक मामले में एक आरोपी पर गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी का आरोप लगा और उसका घर उसी दिन गिरा दिया गया। इस बीच जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर निर्माण अवैध है तो भी उसमें रहने वाले लोगों को 10 से 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने लिए वैकल्पिक घर की व्यवस्था कर सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और उम्रदराज लोगों को सड़कों पर देखकर दुख होता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने एक और सलाह दी। उन्होंने कहा कि विध्वंस की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए ताकि बाद में अदालतें ये पता लगा सकें कि कार्रवाई वैध थी या नहीं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि के हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जरूरत नहीं है, भारत में पर्याप्त विशेषज्ञ मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की गठन की भी आवश्यकता नहीं है। तो बाकी इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर आपकी क्या राय, कॉमेंट कर बताइए और देखते रहिए ABP Live।